वक्फ बोर्ड के प्रशासक एवं बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी जाकिर हुसैन पानीपत पहुंचे थे। जाकिर हुसैन ने पानीपत में हजरत मू अली शाह कलंदर के 723वें उर्स के मौके पर आयोजित हुए कार्यक्रम में शिरकत की। पानीपत के सनोली रोड पर हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क में हजरत मू अली शाह कलंदर का 723वां उर्स बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में हरियाणा ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों से भी जायरीन पहुंचे थे। देर रात आयोजित महफिल समा में दूर दराज से आए कव्वालों ने अपनी कव्वालियों से समा बांध दिया। तो वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर हरियाणा वक्फ बोर्ड के प्रशासक और बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी जाकिर हुसैन ने शिरकत की थी। इसी दौरान चौधरी जाकिर हुसैन ने कार्यक्रम में पहुंचे लोगों को संबोधित किया। बहुत मुबारक मौका है कि हम यहां वो अली कलंदर साहब का 723वां उर्स मना रहे हैं और दो साल कोविड के बाद जब हम खुशी और गमी में भी एक दूसरे के साथ शामिल नहीं हो सके, आज पूरे देश से यहाँ जायरीन आए हुए हैं उनके उर्स में शामिल होने के लिए। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ सभी को कि आज ये शानदार उर्स हमारा एक बार फिर मन रहा है। वहीं चौधरी जाकिर हुसैन ने अमन और शांति की दुआ मांगते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कार्यों की भी सराहना की है। सभी लोगों से हम अपील करते हैं कि आज इस मौके पर दुआ करें कि पूरे मुल्क में अमन शांति रहे और हमारा देश प्रदेश एक नई तरक्की को, नई ऊंचाइयों को छुए। और जिस तरह हमारे प्रदेश में आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री मनोहर लाल जी काम कर रहे हैं कि हमारा प्रदेश भी देश की तरह दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे, यही हमने लोगों से अपील की। चौधरी जाकिर हुसैन ने यह भी कहा कि हिंदुस्तान में हर धर्म के लोग आपस में मिलकर रहते हैं, लेकिन कुछ लोग हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान के बीच का भाईचारा बिगाड़ना चाहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम का भाईचारा कभी नहीं बिगड़ेगा। गंगा जमुना तहजीब हमेशा रहेगी। कुछ लोग जो माहौल को खराब करना चाहते हैं, तो ये लोग ना किसी जाति के हैं ना किसी धर्म के हैं, क्योंकि हमारा देश पूरी दुनिया में अकेला ऐसा देश है कि जिसमें इतने धर्म और इतनी जातियां सब मिलके एक दूसरे के साथ भाईचारे से रहती हैं। और गंगा जमुनी तहजीब का देश है कि यहाँ सभी लोग मिलकर सब त्योहारों को मनाते हैं। आज भी आप देख रहे हैं कि उर्स पे हिंदू मुस्लिम सिख सभी यहाँ पर हाजिर हैं। तो ये लोग जो कुछ लोग जो इस बात को भ्रम फैलाकर देश के हालात को ख़राब करना चाहते हैं, उनकी ये बात दाल गलने वाली नहीं है, ना पहले उनकी दाल गली है। इस चुनाव में भी आपने देखा कि चार राज्यों में उन्होंने बहुत हिंदू मुसलमान के नाम पे लोगों को ख़राब करने की बात करी, लेकिन मुसलमानों के दिल में जहन में जो एक धुंध भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो एक लोगों ने एक भ्रम फैला रखा था, जो एक धुंध थी, वो धुंध छटी और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ मुसलमान आगे बढ़ के आया है। और हमारे देश में 36 बिरादरी का भाईचारा सदियों से रहा है और आगे भी इंशाल्लाह रहेगा, तो हमारे देश को ऐसी ताकतें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख और क्या ईसाई, अली शाह कलंदर का 723वां उर्स। हर एक जाति धर्म के लोगों ने बड़े ही धूमधाम से अली शाह कलंदर का 723वां उर्स मनाया। प्रदीप रेडू, पानीपत, खबरें अभी तक।